أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم बच्चों हमें आज एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 4 करना है क्लास 7 सब्जेक्ट मैथ सिंपल इक्वेशंस एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 4 इज राइट इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स यहाँ स्टेटमेंट दिए गए हैं इनके हमें इक्वेशंस बनानी है फर्स्ट पार्ट इज द सम ऑफ नंबर्स एक्स एंड फोर इज 9 द सम ऑफ नंबर्स एक्स एंड फोर इज 9 इसका मतलब है The sum of numbers x and 4 is 9. दो numbers दिए गए हैं x and 4. इनका हमें sum करना है. वो 9 के बराबर है. इसकी equation कैसे हम बनाएंगे? Sum of numbers x and 4. x और 4 को हमें sum करना है. x plus 4 is 9. यानी वो 9 के बराबर है. Is equal to 9. तो स्टेटमेंट था द सम ऑफ नंबर्स x एंड 4 इज 9 इसकी इक्वेशन बन गई x प्लस 4 इज इक्वल टू 9 नाउ द सेकंड पार्ट इज 2 सबट्रैक्टेड फ्रॉम y इज 8 2 सबट्रैक्टेड फ्रॉम y इज 8 इसका मतलब है 2 subtracted from y, y में से हमें 2 subtract करना है, is 8, वो 8 के बराबर आएगा, हाँ, y में से 2 subtract करेंगे, वो हो गया y minus 2, is 8, is equal to 8, इस तरह ये equation बन गई, y minus 2 is equal to 8, now the third part is, 10 times a is 70, 10 times A is 70. यहाँ 10 times A है. 10 times A means A 10 गुना हमें लेना है. 10 times A. ये इस तरह हम लिखेंगे. 10 times A means 10 into A. 10 multiplied A is equal to 70. ये हम इस तरह भी लिख सकते हैं. 10 times a means 10 multiplied by a is equal to 10a now equal to 70. Equation बन गई इसकी 10a is equal to 70. Now the fourth part is the number b divided by 5 gives 6. The number b divided by 5 gives 6 gives 6 इसका मतलब है the number b divided by 5 number b दिया गया है इसको divide 5 से करना है फिर ये 6 के बराबर निकलेगा the number b divided by 5 b को 5 से divide करना है ये बनता है b upon 5 gives 6 is equal to 6 तो इक्वेशन बन गई b upon 5 is equal to 6 पार्ट नंबर 5 3/4 ऑफ t is 50 3/4 ऑफ t is 15 3/4 of t is 15. T का हमें 3/4 लेना है. The 3/4 of t is 15. T का हमें 3/4 लेना है. वो 15 के बराबर है. इसका मतलब ये है. इस तरह लिख लिया हम 3/4. 3/4 means 3/4 of t. 3/4 of t means 3/4 t is equal to 15. Now sixth part is
seven times n plus seven times n plus seven get 77. ये a होगा या b होगा यहां, seven times a लेंगे हम plus seven gets you 77. इसका मतलब है seven times a, हाँ a हम seven times लेंगे, सात गुना लेंगे, seven times a means seven a, जिस तरह मैंने ऊपर दिखाया है आपको इस तरह, यहाँ किया हमने 10 टाइम्स ए, यहाँ 7 टाइम्स ए, 10 टाइम्स ए इज इक्वल टू 10 ए, इसी तरह 7 टाइम्स ए इज इक्वल टू 7 ए, प्लस 7, इसको 7 प्लस करना है, गेट्स यू 77, वो 77 के बराबर है। इसका मतलब है इसकी इक्वेशन बनती है 7 टाइम्स ए प्लस 7 गेट्स यू 77, 7a plus 7 is equal to 77. Now the next part is part number 7. Part number 7 is 1/4 of a number x. 1/4 of a number x. Minus 4 gives 4. इसका मतलब 1/4 of a number x minus 4 gives 4. पहले हमें लेना है x number का 1/4. इसका मतलब है 1/4 of a number x means 1/4 of x. इसमें से माइनस फोर करना है, माइनस फोर गिव्स फोर इज इक्वल टू फोर, इस तरह ये इक्वेशन बनती है 1/4 एक्स माइनस फोर इज इक्वल टू फोर। नाउ एट्थ पार्ट, एट्थ पार्ट इज If you take away six from six times y, from six times y, you get 60. ये स्टेटमेंट है, इफ यू टेक अवे सिक्स फ्रॉम सिक्स टाइम्स वाई यू गेट 60। इसका मतलब है इफ यू टेक अवे सिक्स फ्रॉम सिक्स टाइम्स वाई, पहले हमें सिक्स टाइम्स वाई लेना है, सिक्स टाइम्स वाई मीन सिक्स वाई, इसमें से हमें छ निकालना है, छ निकालना मतलब सब्ट्रैक्ट करना है सिक्स, माइनस सिक्स। If you take away 6 from 6 times y, हाँ पहले हमें 6 times y लेना है, वो 6y के बराबर है, इसमें से 6 निकालना है, you get 60 is equal to 60. Now ninth part is, if you add 3 to 1/3 of z, to 1/3 of z, you get 30. If you add 3 to 1/3 of z, statement क्या है? If you add 3 to 1/3 of z, 1/3 of z लेंगे हम पहले, 1/3 minus 1/3 of z, 1/3 z,
इसमें से यू एड थ्री टू वन थर्ड ऑफ इसको थ्री एड करना है प्लस थ्री यू गेट थर्टी, हमें थर्टी आएगा। अब इक्वेशन बनती है ये वन अपॉन थ्री जेड प्लस थ्री इज इक्वल टू थर्टी। नाउ टेंथ पार्ट इज थ्री टाइम्स ए नंबर एक्स subtracted from 4 gives 7. The statement is 3 times a number x. हमें एक नंबर एक्स वो थ्री टाइम्स लेना है, थ्री टाइम्स मीन्स थ्री एक्स, थ्री मल्टीप्लाइड बाय एक्स, तीन गुना लेना है एक्स। सबट्रैक्टेड फ्रॉम फोर, ये फोर में से सबट्रैक्ट करना है, इसका मतलब है फोर पहले लिखना है, फोर माइनस थ्री एक्स गिव्स सेवन इज इक्वल टू सेवन। शुक्रिया।